integrate it, add wins to your career. Welcome friends, हमारे YouTube चैनल इंटीग्रेटेड पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग। दुर्गों में मेहरानगढ़ दुर्ग का अध्ययन आज हम करेंगे। शुरुआत करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में एक सामान्य परिचय। राजस्थान के विभिन्न दुर्ग हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ दुर्गों की श्रेणी वाला कॉन्सेप्ट आपको सबको पता होना चाहिए। दुर्गों का वर्गीकरण के दौरान ऐसे दुर्ग जो दुर्ग पहाड़ी पर बने होते हैं उनकी श्रेणी गिर दुर्ग के अंतर्गत आती है। ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं उन्हें जल दुर्ग कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसकी श्रेणी हो जाएगी गिर दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, निर्माण कब हुआ और अन्य क्या क्या विरासत, इस दुर्ग में क्या क्या अन्य महत्वपूर्ण स्थान है, उन सब की चर्चा आज हम करेंगे। शुरुआत करते हैं मेहरानगढ़ के भौगोलिक स्थिति के बारे में। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में स्थित है, एक पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी का नाम आपको याद करना है चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी जो कि जोधपुर में है। इसी चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। पहाड़ी का नाम आपसे पूछ ले तो याद रखना है चिड़िया टूक। जिला याद रखना है जोधपुर। और इसी मेहरानगढ़ दुर्ग की श्रेणी जो हो जाएगी, जो दुर्ग पहाड़ी पर स्थित होता है उनकी श्रेणी गिरिदुर्ग होती है, तो मेहरानगढ़ की श्रेणी भी हो जाएगी गिरिदुर्ग। तो श्रेणी आपको याद करना है गिरिदुर्ग, पहाड़ी का नाम याद करना है चिड़िया टूकगढ़, एक उपनाम आप याद कर सकते हैं इसी नाम के साथ। मेहरानगढ़ दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है उसी पहाड़ी के नाम से रिलेटेड इसका एक उपनाम भी बनता है चिड़िया टूकगढ़। चिड़िया टूक पहाड़ी उपनाम हो जाएगा चिड़िया टूकगढ़। और अन्य क्या क्या उपनाम है मेहरानगढ़ दुर्ग के वो भी आप याद रखें। मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम, अन्य क्या क्या निक नेम जो है मेहरानगढ़ के वो सारे आप याद रखें। मेहरानगढ़ का एक नाम तो मूल नाम मेहरानगढ़ ही है, इसके अलावा और क्या क्या नाम है इसमें आपको याद रखना। एक तो इसी पहाड़ी से रिलेटेड याद करना आपको, चिड़िया टूक आपने याद कर लिया, पीछे लगाना है गढ़, चिड़िया टूक गढ़ एक नाम हो जाएगा। उपनाम में मैं सारे नाम लिख लेता हूँ मेहरानगढ़ दुर्ग के क्या क्या नाम है। चिड़िया टूक गढ़, इसी को मेहरानगढ़ दुर्ग को सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। जोधपुर को हम जैसे सन सिटी कहते हैं वैसे ही सूर्यगढ़ उपनाम भी इसी मेहरानगढ़ का मिलता है। एक उपनाम और याद रखना आपको मयूर ध्वजगढ़। और पांचवा नाम आपको याद करना है गढ़ चिंतामणि। ये सारे के सारे हो जाएंगे मेहरानगढ़ के निक नेम, मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम। एक बार वेज कीजिएगा, मेहरानगढ़, चिड़िया टूकगढ़, सूर्यगढ़, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, ये सारे के सारे मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के भौगोलिक स्थिति के जो प्रश्न बनते हैं वो हमने याद किए। पहाड़ी कौन सी स्थित है, किस पहाड़ी पर स्थित है, श्रेणी कौन सी हो जाएगी, उपनाम क्या क्या है वो भी हमने याद किए। अब इसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, निर्माण कब हुआ, इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो भी आप याद रखें। अब निर्माण के संदर्भ में जो बनने वाले प्रश्न मेहरानगढ़ के, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में स्थित है और जोधपुर जिले का आप इतिहास देखते हैं तो यहाँ पर पहले के समय में राठौड़ राजवंश का शासन रहा। राठौड़ राजवंश के अंदर एक शासक हुए जिसका नाम आपको याद करना है राव जोधा। और इन्हीं राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। आपसे पूछ ले मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है, निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना है राव जोधा ने निर्माण करवाया। निर्माण कब करवाया टाइमिंग पूछ ले तो याद करना है 1459। शताब्दी भी याद रखें आप साथ साथ 15वीं शताब्दी। इस तरह से तीन प्रश्न बनते हैं निर्माण के संदर्भ में, निर्माण कब हुआ, निर्माण किसने करवाया और किस शताब्दी वर्ष में। और शासक का नाम याद रखें राव जोधा, राठौड़ राजवंश के शासक है। जैसे राठौड़ राजवंश मेहरानगढ़ दुर्ग के अलावा राजस्थान भर में राठौड़ राजवंश की तीन शाखाएं हैं, एक बीकानेर में है, मूल शाखा मारवाड़ में है और तीसरी शाखा किशनगढ़ में। ये तीन ब्रांच है जहाँ जहाँ पर राठौड़ राजवंश के राजाओं ने शासन किया। और इसमें जो मूल शाखा है
जो मारवाड़ के अंदर स्थित है वो राव सिया ने शुरू की थी। राव सिया इस राठौड़ राजवंश के संस्थापक भी माने जाते हैं, वो भी हिस्ट्री के एक फैक्ट सरल सरल से आप साथ साथ याद रखें। तो राव जोधा निर्माण का समय आप याद रखें 1459 15वीं शताब्दी। अब निर्माण में एक फैक्ट ये भी आपको याद रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का जब निर्माण करवाया गया तो इस निर्माण के समय एक मनुष्य की बलि भी दी गई, एक जीवित मनुष्य की बलि भी दी गई राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति की। तो एक ऐसा प्रश्न भी बनता है कि वह दुर्ग जिसके निर्माण में मनुष्य की बलि दी गई कौन सा है, तो याद रखें आप मेहरानगढ़। एक और फैक्ट याद रखें इसी के साथ साथ, मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय नींव जो है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके द्वारा दी गई, ऐसा फैक्ट आपसे पूछ ले तो नाम रखना आपको याद, करणी माता। करणी माता जिनका मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में है, उन्हीं करणी माता द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई। तो ये सारे निर्माण के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, निर्माण कब करवाया गया, निर्माण किसने करवाया और नींव किसके द्वारा रखी गई। तो नींव में आपको याद रखना है करणी माता। और मनुष्य की बलि भी दी गई इसके निर्माण में, मनुष्य का नाम आपसे पूछ ले तो आप याद रखें राजा राम मेघवाल। इस प्रकार ये निर्माण के जो प्रश्न बनते हैं वो हमने सारे याद किए। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में इसके एंट्रेंस करने के साथ साथ प्रवेश द्वार कितने हैं और तालाब वगैरह कितने बने हुए हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग में तोपे कौन कौन से स्थित हैं और जो प्रश्न बनते हैं वो भी सारे हम इसके बाद याद करेंगे। तो मेहरानगढ़ दुर्ग एक सामान्य परिचय हम याद कर रहे हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग की लोकेशन उपनाम याद किया और निर्माण याद किया। इसके बाद कुछ और पढ़ते हैं। तो अब तक जो हमने मेहरानगढ़ दुर्ग में पढ़ लिया है, मैं सारा पॉइंट लिख लेता हूँ। हमने याद किया श्रेणी, फिर हमने याद किया निर्माण और भौगोलिक स्थिति। ये तीन फैक्ट अब तक हमने पढ़े हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के एंट्रेंस। दुर्ग में जैसे प्रवेश करेंगे तो इसका जो मुख्य एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार कितने बने हुए, क्या क्या नाम है उनके, निर्माण किसके द्वारा करवाए गए, वो सारा आप याद करते हैं। तो आपसे पूछे मेहरानगढ़ दुर्ग के मुख्य एंट्रेंस कितने हैं, मुख्य प्रवेश द्वार कितने हैं, तो याद रखना दो प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार में दो नाम याद रखना है आपका, एक नाम है जयपॉल और दूसरा नाम है फतेहपॉल। जयपॉल और फतेहपॉल ये मेहरानगढ़ दुर्ग के दो एंट्रेंस आपको याद रखने हैं। जयपॉल का निर्माण करवाया गया मान सिंह राठौड़ द्वारा। जयपॉल का निर्माता पूछ ले तो याद रखना है मान सिंह राठौड़। अब मान सिंह राठौड़ नाम आया तो उसका थोड़ा परिचय भी आप साथ साथ याद रखें। मान सिंह राठौड़ राजवंश के शासक हुए, जिनके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में मारवाड़ रियासत ने सहायक संधि की थी। यही मान सिंह राठौड़ गिंगोल युद्ध में जयपुर के शासक के साथ लड़ते हैं, हालांकि इनकी पराजय होती है। यही मान सिंह राठौड़ अपना नाम भी परिवर्तन कर देते हैं, नाथ संप्रदाय को अपनाते हैं और अपना नाम मान सिंह से मान नाथ कर लेते हैं। इनकी के नाम से मान सिंह राठौड़ ने एक लाइब्रेरी का भी निर्माण कराया, मान प्रकाश पुस्तकालय, वो भी इसी दुर्ग में स्थित है। तो ये मान सिंह राठौड़ का एक सामान्य सा परिचय आप याद कर सकते हैं। और वही मान सिंह राठौड़ एक एंट्रेंस बनाते हैं, नाम याद करना है जयपॉल, कर पाएंगे आप आराम से याद। तो जयपॉल एंट्रेंस है, निर्माता मान सिंह राठौड़, दूसरा नाम फतेहपॉल, इसका निर्माण करवाया अजीत सिंह द्वारा। निर्माता पूछ ले अजीत सिंह। अजीत सिंह का भी थोड़ा परिचय आप याद कर सकते हैं। अजीत सिंह जिनका जन्म लाहौर जेल में हुआ और जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र थे, सॉरी जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। और इसी अजीत सिंह का जब जन्म हुआ तो वह औरंगजेब की कैद से वीर दुर्गादास राठौड़ ने इनको निकाला। ये सारा सारा फैक्ट हम अजीत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। अजीत सिंह का इतिहास हम पढ़ेंगे जब, और डिटेल से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। इन्होंने काला गोरा भैरव मंदिर भी बनाया अजीत सिंह द्वारा। ये अजीत सिंह द्वारा ही निर्माण करवाया गया फतेहपॉल। तो मुख्य प्रवेश द्वार दो नाम याद रखने हैं, जयपॉल और फतेहपॉल। जयपॉल का निर्माण मान सिंह राठौड़, फतेहपॉल का निर्माण अजीत सिंह राठौड़।
तो एंट्रेंस आपने याद किए। इसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग में तालाब वगैरह कोई स्थित है तो क्या क्या है, उनके नाम क्या क्या है वो भी आप याद रखें। मेहरानगढ़ दुर्ग में जलाशय दो तालाब आपको याद करने हैं यहाँ पर भी। पहला नाम रानीसर तालाब और दूसरा नाम पदम सर तालाब। दो तालाब, दो पेयजल स्त्रोत कह सकते हैं उनको, जो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। कौन कौन से आराम से याद रखें, दो नाम है, पहला नाम रानीसर तालाब, दूसरा पदमसर तालाब। रानीसर तालाब का निर्माण करवाया गया राव जोधा, जो कि इस दुर्ग का निर्माण कराया था। हमने याद किया शुरू में कि राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया, उन्हीं राव जोधा की पत्नी है जिनका नाम है जसमा दे हाड़ी। जसमा दे हाड़ी द्वारा इस तालाब का निर्माण कराया गया जिसे रानीसर तालाब कहा जाता है। तो निर्माता इसका भी याद रखें आप, रानीसर तालाब का निर्माण करवाया जसमा दे हाड़ी। हाड़ौती क्षेत्र की जो भी राजकुमारी होती है उन्हें हाड़ा रानी कहा जाता है, हाड़ी कहा जाता है। जैसलमेर की जो राजकुमारी होगी उन्हें भटियाणी कहा जाता है। तो ये आड़ा और भटियाणी वाला कॉन्सेप्ट भी आप साथ साथ याद रखें। निर्माता जो है जसमा दे हाड़ी, जसमा दे हाड़ी कौन है इसका परिचय आपको याद रखना है, राव जोधा की पत्नी है जिन्होंने इस तालाब का निर्माण कराया रानीसर तालाब। दूसरा तालाब है पदमसर तालाब, पद्मावती द्वारा निर्माण करवाया गया। पद्मावती कौन है इनका परिचय भी आपको पता होना चाहिए। पद्मावती राठौड़ राजवंश के अंदर एक शासक हुए गांगदेव, गांगदेव उनकी पत्नी का नाम है पद्मावती और उन्होंने इस तालाब का निर्माण कराया पद्म सागर तालाब या पद्मसर तालाब। ये दो जलाशय, दो तालाब और दो प्रवेश द्वार, ये भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग से रिलेटेड, इनको भी आपको याद रखना है। तो इसके बाद हमने अब तक की पढ़ लिए, प्रवेश द्वार पढ़ लिए हैं और तालाब कौन कौन से ये भी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में और जो प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, किस तरह का प्रश्न बनते हैं सारे आप याद रखें। मेहरानगढ़ दुर्ग में तोपे कौन कौन से स्थित हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान का एक पहला ऐसा दुर्ग है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का पहला दुर्ग कौन सा है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। पहली इमारत पूछे ना आपसे कि पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, तो इमारत तो याद रखना है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। और पहला दुर्ग कौन सा जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, तो उत्तर आपको याद रखें मेहरानगढ़ दुर्ग है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित अन्य विरासत कौन कौन सी है, उसमें आप एक नाम हमने भी याद किया, मान प्रकाश पुस्तकालय। ये मान प्रकाश पुस्तकालय जिनका निर्माण मान सिंह राठौड़ द्वारा करवाया गया, ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। तोपे कौन कौन से स्थित है उनके नाम आप याद रखें। हाल ही में पिछला पटवार का एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न पूछा जा चुका है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित एक तोप का नाम पूछा गया और वो तोप किस दुर्ग में स्थित है, इस तरह का एक सरल सा प्रश्न था। तो आगे आगामी भविष्य में पूछ रहे तो वो भी आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी तोपें हैं। एक नाम है गुब्बार, ये गुब्बार तोप पिछले पटवार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पटवार एग्जाम। गुब्बार तोप किस दुर्ग में स्थित है, मेहरानगढ़ उत्तर क्लिक करना था और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सिमिलरली ऐसे प्रश्न बनते हैं। और इसके अलावा कौन कौन सी तोपें हैं, सारे नाम आप याद रखें। कड़क बिजली, शंभु बाण, व्याधि, ये व्याधि है ना आप अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस व्याधि तोप से प्रश्न पूछा जा सकता है, भरपूर संभावना है। और व्याधि तोप जो है मेहरानगढ़ में ही स्थित है। गजनी, किल किला, नुसरत, बिच्छू बाण, धूड़धाणी, ये सारी तोपे जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों के नाम जो है आप याद रखें, सरल सरल से नाम है। ये सारी तोपे मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग
का एक सामान्य परिचय हम याद कर रहे हैं, जहां हमने तोपे के बारे में याद किया, कौन कौन से तोपे स्थित हैं, इसी मेहरानगढ़ दुर्ग का एंट्रेंस याद किया, तालाब याद किया। अब जो फैक्ट आपको याद करना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में जो है एक्सीडेंट कौन कौन से हुए, हादसे कौन कौन से हुए, कब कब हुए, इसका भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के मुख्य हादसे कौन कौन से हुए या प्रमुख घटनाएं, कौन कौन सी हुई, वो आपको पता होना चाहिए। मुख्य हादसों में पहला हादसा आपको याद करना है, एक टाइमिंग है लगभग 1857, जब 1857 की क्रांति हुई। उस 1857 की क्रांति में आप सभी पढ़ते हैं कि आउवा का काफ़ी योगदान रहता है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम दो बार जीतती है, और उस समय तत्कालीन मारवाड़ के शासक थे तखत सिंह, और वही तखत सिंह के शासनकाल की घटना है। इस दुर्ग पर बिजली गिर जाती है और इस वजह से दुर्ग क्षतिग्रस्त हो जाता है, और क्षतिग्रस्त दुर्ग का निर्माण वापस जो है रिक्रिएट वापस किया जाता है तखत सिंह द्वारा। तो आपसे पूछ ले कि पहला हादसा कब हुआ, टाइमिंग पूछ ले तो 1857, दुर्ग के मरम्मत का काम किसने करवाया, तो तखत सिंह। ऐसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण तो हमने याद किया था, राव जोधा ने करवाया, मेहरानगढ़ दुर्ग के जीर्णोद्वार का काम किसने करवाया, मरम्मत का काम किसने करवाया, तो भी आप याद रखें तखत सिंह। तखत सिंह वही शासक है जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की। प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने वाले मारवाड़ के शासक कौन हुए, तो तखत सिंह हुए, और उन्हीं के समय हादसा हुआ पहला दुर्ग क्षतिग्रस्त। दूसरा हादसा कब हुआ, दूसरा हादसा आपको याद करना है 2008, 30 सितंबर 2008 मेहरानगढ़ दुर्ग में एक मंदिर बना हुआ, चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा माता मंदिर के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, पहले हादसा आप याद कर लें। दूसरा हादसा 2008 की घटना, और चामुंडा माता मंदिर के अंदर भगदड़ मच जाती है। चामुंडा माता मंदिर की इस हादसे में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, और इस हादसे की जांच के लिए एक जांच आयोग भी गठित होता है। जांच आयोग का नाम भी आप याद रखें, जसराज चोपड़ा आयोग। ये जो है एक्सीडेंट के दो फैक्ट आप याद कर सकते हैं, पहला और दूसरा। अब चामुंडा माता मंदिर नाम आया तो इसका थोड़ा परिचय आपको पता होना चाहिए। राठौड़ राजवंश का इतिहास पढ़ते हैं तो राठौड़ राजवंश के अंदर दो नाम आपको याद करना है। पहला एक प्रश्न बनता है राठौड़ों की कुल देवी कौन सी माता है, और दूसरा प्रश्न बनता है आराध्य देवी कौन सी है। राठौड़ राजवंश की कुल देवी और आराध्य देवी, और जो चामुंडा माता है ये राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी। जिनका मुख्य मंदिर आराध्य देवी जो राठौड़ राजवंश की है, इनका ये मुख्य मंदिर है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ में स्थित है, और इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में इस पर इस मंदिर में हादसा हुआ था 2008 की ये घटना, ये फैक्ट। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का एक सामान्य सा परिचय हम याद कर रहे हैं, और इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में अब तक हमने पढ़ लिए हैं तोपे कौन कौन से स्थित हैं, मंदिर कौन कौन से स्थित हैं। इसके बाद और जो फैक्ट बनते हैं मेहरानगढ़ के, वो सारे याद करने वाले हम। आराध्य देवी का प्रश्न आप याद रखें, आराध्य देवी याद करते हैं तो साथ साथ आपको कुल देवी का परिचय भी पता होना चाहिए। कुल देवी का नाम है नागणेची माता, और नागणेची माता का जो मुख्य मंदिर है वो नगणा गांव का नाम है, बाड़मेर में स्थित है, वहाँ मुख्य मंदिर स्थित है, नगणा गांव बाड़मेर। कुल देवी का मंदिर, आराध्य देवी का मंदिर मेहरानगढ़ में, लिख लेता हूँ मैं साथ साथ। कुल देवी जो है राठौड़ वंश की, नागणेची माता जिनका मुख्य मंदिर नगणा बाड़मेर में स्थित है, ये कुलदेवी है, और आराध्य देवी आपने याद की है चामुंडा माता। नागणेची नाम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखें, एक्स्ट्रा नोट डाल के आप लिख सकते हैं, एक नाम आपसे पूछे नागोची माता। नागणेची अलग है, नागोची अलग है, नागोची माता पूछ ले तो इनका मुख्य मंदिर नाथ द्वारा के अंदर स्थित है, याद रखना आप, नाथ द्वारा राजसंबंध।
तो ये एक तुलनात्मक हम अध्ययन कर रहे हैं मेहरानगढ़ का, काफ़ी सारी चीज़ें हमने याद की मेहरानगढ़ दुर्ग से रिलेटेड। अगला नोट डाल के एक लाइन लिख लेना, मेहरानगढ़ ऐसा पहला दुर्ग जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। सेनापति की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये सारे प्रश्न जो है मेहरानगढ़ दुर्ग के बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अब मेहरानगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई कुछ एक्स्ट्रा घटनाएं आपको याद करनी जिनका संबंध इतिहास के साथ सीधा है, जहाँ पर इतिहास हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक घटनाएं, जहाँ कोई विशेष आक्रमण हुआ होगा या किस समय कोई संधि समझौता हुआ होगा, उस समय मेहरानगढ़ पर किसी अन्य राजाओं का अधिकार रहा, वो क्या घटनाएं हैं वो सारा आप याद रखें। इसके बाद अब मेहरानगढ़ दुर्ग में एक्स्ट्रा घटनाएं हम याद कर रहे हैं, उसमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले शेरशाह सूरी, नाम आपने सबने सुना होगा। शेरशाह सूरी जो है इनके साथ एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, इस युद्ध को हम पढ़ते हैं गिरी सुमेल का युद्ध, 1544 की घटना। और उस समय मारवाड़ के तत्कालीन शासक थे मालदेव, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच ये मुकाबला हुआ, शेरशाह सूरी वर्सेज मालदेव। युद्ध का नाम आप पढ़ते हो गिरी सुमेल का युद्ध। ये गिरी सुमेल जो स्थान है वो जैतारण पाली के अंदर स्थित है। युद्ध का जो विजेता है वो शेरशाह सूरी विनर है, हालांकि मालदेव की पराजय होती है यहाँ पर। 1544 की घटना है। जैतारण पाली में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाते हैं, हालांकि शेरशाह सूरी को युद्ध में ये भी कहना पड़ता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, और मालदेव की यहाँ पराजय होती है। और इस टाइमिंग में, मतलब 1544, इसको हम ये शताब्दी वर्ष में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 16वीं शताब्दी। और 16वीं शताब्दी का टाइमिंग ऐसा है, इस समय मेहरानगढ़ दुर्ग पर या मारवाड़ के राठौड़ राजवंश पर जहाँ शासन करता है राठौड़ राजवंश मारवाड़, उस मारवाड़ क्षेत्र विशेष पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है। आपसे पूछ ले शेरशाह सूरी ने मारवाड़ क्षेत्र विशेष कब जीता, शताब्दी वर्ष पूछ ले, चार ऑप्शन दे दे, 11वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, तो आप आराम से क्लिक कर पाओगे 16वीं शताब्दी। 1544 का युद्ध गिरी सुमेल का युद्ध, मालदेव की यहाँ पर पराजय होती है। पराजय होने के अलावा ये शेरशाह सूरी मेहरानगढ़ के लिए और हम कह सकते हैं मारवाड़ क्षेत्र विशेष के लिए अपने दो प्रशासक नियुक्त करता है, दो व्यक्तियों को यहाँ पर नियुक्त करता है। कौन कौन से नाम है उनके वो आप याद रखें, खवास खां, और दूसरा नाम है ईसा खां। ये दो व्यक्ति हैं जिनको शेरशाह सूरी ने नियुक्त किया, शेरशाह सूरी के नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि हम कह सकते हैं। ये बात हो गई शेरशाह सूरी के समकालीन की घटना, 16वीं शताब्दी के समकालीन घटना, जहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग पर एक बार के लिए शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है। हालांकि एक साल बाद लगभग 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, और उस समय ये मालदेव इस मेहरानगढ़ को वापस जीत लेता है, और वहाँ से मालदेव का शासनकाल शुरू हो जाता है फिर से। मालदेव का हम टाइमिंग पढ़ते हैं, थोड़ा आप याद करते हैं तो लगभग मालदेव का हम इतिहास याद करते हैं, मालदेव के तीन पुत्र हम पढ़ते हैं, राम सिंह, उदय सिंह और चंद्रसेन। मालदेव अपने सबसे छोटे बेटे चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाता है, और जब चंद्रसेन राजा बनता है, लगभग टाइमिंग आप याद कर सकते हैं 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है, और 1562 में अगला राजा बनता है राव चंद्रसेन। और राव चंद्रसेन लगभग 1562 से लगाकर 1562 से 1581 ये टाइमिंग रहता है राव चंद्रसेन का, इस समय तक वो शासन करता है। और जब राव चंद्रसेन शासन करेगा उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई, उस समय किस किसने आक्रमण किया, वो भी फैक्ट बहुत बार पूछे जाते रहते हैं। इससे जुड़े हुए घटनाएं सारी आप याद रखें, मतलब राठौड़ राजवंश या जो भी हम दुर्ग पढ़ते हैं, हर दुर्ग में उस स्थान विशेष से जुड़ी हुई इतिहास की काफ़ी सारी घटनाएं, उन सारी घटनाओं का मिश्रण
हम कह सकते हैं पूरा पूरा रिवीजन होता है। तो यहाँ पर भी आपके राठौड़ राजवंश से जुड़ी हुई घटनाओं का काफ़ी सारा रिवीजन करवाने का प्रयास रहेगा। तो राव चंद्रसेन का एक छोटा सा परिचय आप पढ़ते हैं। मालदेव का परिचय भी हम थोड़ा याद कर लिया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा, ये भी बहुत बार ऐसा पूछा जाता है। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं सरल सरल से। मालदेव का जो राज्याभिषेक है, मैं कह सकता कोरोनेशन जो है वो राज्याभिषेक है, वो कब हुआ? टाइमिंग पूछे तो लगभग 1532, और 1532 में राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? तो सोजत में हुआ, सोजत पाली। मालदेव का राज्याभिषेक सोजत पाली के अंदर हुआ था। तो कुछ इतिहास की कुछ फैक्ट, और हम पढ़ रहे थे मेहरानगढ़, वापस आ जाते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग से जुड़ी घटनाओं पढ़ रहे थे। यह पहला फैक्ट सरल सा था मेरा बताने का प्रयास, कि शेर शाह सूरी के समकालीन मेहरानगढ़ दुर्ग पर शेर शाह सूरी का अधिकार हो जाता है, उस समय मालदेव की पराजय होती है और ये युद्ध था पूरा का पूरा। इसके बाद हमने याद किया कि मालदेव का बेटा राव चंद्रसेन, जिसको उत्तराधिकारी बना लिया जाता है, जैसे ही वो राजा बनेगा इसके समय भी बहुत सारी समस्या आएगी। कौन कौन से घटना है वो भी आप याद रखें। अब हमने याद किया मालदेव के बाद रावचंद्रसेन राजा बना। रावचंद्रसेन के बहुत सारे उपनाम भी है, ऐसे रावचंद्रसेन को विस्मृत नायक भी कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कारण इसका स्पष्ट है। जिस प्रकार मेवाड़ में अकबर के साथ महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, समकालीन उसी समय मारवाड़ के अंदर मुगलों से संघर्ष करने वाला राजा जो था उसका नाम था रावचंद्रसेन। रावचंद्रसेन और रावचंद्रसेन के समय अकबर द्वारा एक आयोजन करवाया गया था। जब रावचंद्र सेन मारवाड़ का राजा था, उस समय अकबर ने एक आयोजन करवाया था नागौर दरबार 1570 की घटना है। और इस नागौर दरबार का उद्देश्य यही था कि राजस्थान के विभिन्न राजपूत राजाओं को अकबर के अधीनता स्वीकार करवाना। नागौर में आयोजित करवाया गया था, उस समय अकाल पड़ गया था, और इस स्थिति को देखते हुए अकबर द्वारा एक तालाब का भी निर्माण करवाया गया था, शुक्र तालाब का निर्माण। आपसे पूछ ले अकबर ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया, या शुक्र तालाब का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया? तो अकबर द्वारा करवाया गया था, और ये नागौर दरबार का आयोजन करवाया गया था। आयोजन करने का जिम्मेदारी जो थी, ये पूरा कार्यभार किसके हाथों से किया गया? तो नाम याद रखे, भारमल, जयपुर, जयपुर के कछवा राजवंश के शासक है भारमल, जिन्होंने सारा का सारा आयोजन करवाया। और अकबर इस आयोजन का जो उद्देश्य रखता है, वो रखता है राजपूत राजाओं को अधीनता स्वीकार कर। इस आयोजन में ये रावचंद्रसेन जाता है, पर अकबर की अधीनता स्वीकार किए बिना ही वापस आ जाता है, रिटर्न हो जाता है। बहुत सारे राजा है जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, जैसे बीकानेर का कल्याणमल हम पढ़ते हैं जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, हरराज भाटी जैसलमेर का जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी नागौर दरबार। वैसे के वैसे यहाँ पर रावचंद्रसेन गया, पर अधीनता स्वीकार किए बिना ही वापस लौट गया, और इस प्रकार अकबर की नज़रों में ये दुश्मन बन गया अकबर का। और यहाँ से अकबर द्वारा अपना एक सेनापति भेजा गया अटैक करने के लिए इस चंद्रसेन पर। हम ये कह सकते हैं कि मारवाड़ पर या मेहरानगढ़ दुर्ग पर अकबर ने आक्रमण हेतु भेजा गया सबसे पहला कौन सा सेनापति भेजा? नाम पूछ ले आपसे, तो याद रखना है हुसैन कुली खां, ये अकबर द्वारा भेजा गया पहला सेनापति है जिसने अटैक किया मारवाड़ पर या मेहरानगढ़ दुर्ग पर। जब आक्रमण किया तो वहाँ से रावचंद्रसेन मेहरानगढ़ दुर्ग छोड़ लेते हैं, और वहाँ से जिंदगी भर भटकते रहते हैं, भागते रहते हैं, अकबर से छुपते रहते हैं, और ऐसे इनका संघर्षपूर्ण जीवन चलता रहता है। ये रावचंद्रसेन के समय की घटना। रावचंद्रसेन जब यहाँ से चले जाते हैं, तो उस समय मारवाड़ पर हम ये कह सकते हैं कि अकबर का है जो अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार हो जाता है। बाद में अकबर ने अपना एक सूबेदार भी नियुक्त किया मारवाड़ के लिए। अकबर ने पहला सेनापति कौन सा भेजा मेहरानगढ़ के लिए अटैक करने के लिए? हुसैन कुली खां। और इसी मेहरानगढ़ पर या मारवाड़ पर अकबर ने अपना सूबेदार किस व्यक्तित्व को बनाया? तो आप एक नाम और याद रखें, राय सिंह। राय सिंह जो कि मूलतः बीकानेर के राठौड़ राजवंश के शासक हैं और कल्याणमल के पुत्र हैं। कल्याणमल वही जिन्होंने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, उन्हीं कल्याणमल के पुत्र राय सिंह, इनको मारवाड़ का सूबेदार बनाया जाता है। आपसे पूछ ले कि अकबर द्वारा मारवाड़ का सूबेदार किसे बनाया गया था? तो नाम याद रखना है आपको, राय सिंह बीकानेर। तो कुछ सरल सरल सी घटनाएँ जिनके फैक्ट बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो एक सामान्य सामान्य सा परिचय राठौड़ राजवंश के समय,
विभिन्न आक्रमण जो हुए, विदेशी आक्रमण भी कह सकते हैं जिनको, या जिनके समय मारवाड़ पर राठौड़ राजवंश का शासन रही नहीं रहा, मारवाड़ के राजाओं को संघर्ष करना पड़ा, वो स्थिति सारी की सारी हमने याद की। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें याद की। पहला वीडियो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, तो आज का ये वीडियो जहां हमने मेहरानगढ़ दुर्ग का एक सामान्य सा परिचय किया, उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगामी वीडियोज़ में राजस्थान के और अन्य महत्वपूर्ण दुर्गों की हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इंटीग्रेटेड।